या कट ऑफ रहेगी, तो इसकी डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। तो एचपी के अलर्ट्स में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो अभी देखिए क्या बात है कि मैं रेगुलर वीडियो नहीं डाल रहा था, तो इसके बाद जो है मैं रेगुलर वीडियो डालूंगा, क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम था। तो मेरे एग्ज़ाम होने के बाद जो इस चैनल में जो रेगुलर वीडियो आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी हम प्रीवियस जो पेपर हुआ लाइनमैन का, और अभी जो पेपर हुआ जो कि 25 सितंबर को 2022 को जो पेपर हुआ प्रीवियसली, और प्रीवियस जो हमारी कट ऑफ गई थी जो कि हमारा जो लाइनमैन का जो पहले का टेस्ट था जो कि 2018 में हुआ, तो उसमें कितनी पोस्ट थी और अभी की पोस्ट कितनी है और उसके अकॉर्डिंग, और अभी 200 नंबर का जो पेपर हुआ, और पहले की बात की जाए तो यह जो कंडीशन रहती थी वह 85 नंबर की रहती थी, और 15 नंबर जो आपको पता था कि इसको जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था वो भी बोर्ड के द्वारा, जो कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहलाती है। तो अभी देख सकते हैं आपके कि जो पहले का जो पेपर था तो उसमें क्या है कि 85 पोस्ट थी, तो उसमें अनरिजर्व जो पोस्टें थी वह 40 थी, पर अभी के मुकाबले में अनरिजर्व की पोस्टें ज़्यादा हैं, बट कैंडिडेट की संख्या भी अभी देने जो एप्लीकेंट हैं वो भी ज़्यादा हैं, ज़्यादा इतने ज़्यादा भी नहीं कि ये जो आंकड़ा देख रहे हैं आप जो अभी आपके स्क्रीन में दिख रहा है, जो कि जो टोटल कैंडिडेट जो प्रीवियस में थे जो कि 15,671 कैंडिडेट जो थे इस परीक्षा में अपीयर हुए, और इस परीक्षा और जो अभी का लाइनमैन का जो पेपर था उसमें 17,000 जो एप्लीकेशंस थी वो आई, तो जो एप्लीकेंट जो थे अभी 17 मतलब लगभग ज़्यादा नहीं देखा जाए तो 2 या 3 हज़ार ही कैंडिडेट हमारे इसके आगे अपीयर हुए। तो अभी देख सकते हैं हम कि जो पहले की जो पोस्टें थी वो बहुत ही कम थी, और अभी की पोस्टें जो हैं वो ज़्यादा हैं, जो कि आप लगभग मान के चलते हैं कि 184 से इनका चयन होगा। तो लाइनमैन की जो पोस्ट थी जो प्रीवियस पेपर था 609, अब देख सकते हैं जर्नल की जो कट ऑफ है वो गई थी 60.22, और अभी की जो कट ऑफ है वो मैं एक्सपेक्टेड कर रहा हूँ, मैं फ़ोटो के थ्रू आपको वीडियो के थ्रू अभी आपको बताऊँगा। आप प्रीवियस की जो कट ऑफ है अभी अपने जहन में देख लीजिए, क्योंकि मैं अगली जो कट ऑफ बताने वाला हूँ वो लगभग ही हमारी क्या रहने वाली है, जो कि अभी की कट ऑफ रहने वाली है, जो कि मैंने पता की जिन्होंने भी पेपर दिया उनसे मैंने नंबर का कंसर्न किया, और जिस जिस तरह से उनको इनके नंबर थे उसके अकॉर्डिंग जो है अंदाज़ा लगाने की कोशिश है। अपना दिल छोटा मत कीजिए अगर आपके नंबर थोड़े से कम हैं, कोई भी जो भी मैं बात कर रहा हूँ वो ज़रूरी नहीं है कि वही ट्रुथ हो, कुछ भी ट्रुथ हो सकता है, पर अनुमान लगाया जा रहा है जैसे कि सभी लोग लगाते हैं उसके द्वारा कि लाइनमैन की जो कट ऑफ रहेगी वह कितनी रहेगी। अगर आप इस वीडियो में सबसे पहली बार विजिट हुए हैं तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले पहुंच सके, यानी इसका रिज़ल्ट होगा वो भी आपको हमारे थ्रू सबसे पहले पहुँचा दिया जाएगा। हमारी वेबसाइट है, हमारी एप्लीकेशन भी है, तो हमारे जितने भी आपकी हेल्प करने की कोशिश होगी, जितने भी नोट्स होंगे प्रीवियस के, जितने भी नोट्स होंगे आपके इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, जेओए के नोट्स, जितने भी एचपी जीके के नोट्स होंगे वो आपको इस चैनल के थ्रू आपको मिल जाएंगे। तो अगली जो कट ऑफ है वो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ जो मेरे अकॉर्डिंग बनाई गई है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि लाइनमैन का जो पोस्ट 71 पोस्ट कोड था तो उसका जो एग्ज़ाम था वो हेल्ड हुआ 25 सितंबर 2022 को। अभी जो अकॉर्डिंग टू जो प्रीवियस का जो पेपर था उसमें क्या था कि अभी का जो पेपर था, जो अभी का पेपर माना जा रहा है कि थोड़ा सा टफ था, तो उसके अकॉर्डिंग जो था नया पेपर था बहुत ही बाहर से डाला गया था ऐसा मानना है, पर ऐसा नहीं है, उस अपने ही सिलेबस का होता है पेपर, थोड़ा सा कठिन होगा, पर उसके अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो प्रीवियस पेपर में अगर आपका जो जर्नल की जो कट ऑफ थी वह 60 गई, यानी वो गई प्लस डॉक्यूमेंटेशन से, पर अभी की जो कट ऑफ है वो भी अनुमान लगाया जा रहा है वह 55 से लेकर 60 तक जा सकती है। आप बोल रहे होंगे कि ITI उसमें अपीयर थे और अभी जो है डिप्लोमा वाले भी अपीयर थे, नहीं दोस्तों, उस जो जो प्रीवियस पेपर था उसमें ITI और डिप्लोमा दोनों अपीयर थे,
उसके अकॉर्डिंग भी उनका जो स्कोर रहा, अगर देखा जाए विदाउट डॉक्यूमेंटेशन, उनका स्कोर जो था 54 तक टॉप, जो मेरिट गई थी, कट ऑफ गई थी, वो यहाँ तक 54 तक रही थी अगर डॉक्यूमेंटेशन के जो जो भी नंबर हैं उनको हटाया जाए। तो अभी के पेपर में देखा जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है जनरल के लिए 55 से लेकर 60 तक कट ऑफ रह सकती है, क्योंकि अभी के मामले में जो पोस्ट है थोड़ी सी ज़्यादा है। और EWS जो कि आपका BPL भी बोल सकते हैं आप, जो कि BPL आपका मर्ज कर दिया है आपका EWS में ही, तो EWS के लिए जो पोस्टें हैं वह 22 लगभग आपकी पोस्टें होगी टोटल EWS के लिए। यानी पहले जो है आपको जर्नल की 90 पोस्ट में से अगर आपके नंबर होंगे तो सीट मिलेगी, फिर उसके बाद जो है जितने भी EWS होंगे उनको 22 में से आपको सीट मिलेगी। तो अभी देखा जाए तो जर्नल का इसका जो EWS का है थोड़ा सा फ़र्क नहीं पड़ता है, सॉरी इधर से ऑफ रहती है इनकी। प्रीवियस पेपर में भी आपको पता होगा कि 60 पॉइंट समथिंग इसकी जो कट ऑफ रही, पर अभी के मामले में EWS की भी कट ऑफ जो है 55 से लेकर 60 तक रह सकती है। और OBC की आप मान के चलिए थोड़ी सी कम, और उतनी भी कम नहीं, बट अभी के मामले में अगर देखा जाए तो कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है। तो अभी देखा जाए SC की लगभग 53 से लेकर 57 तक जा सकती है, और ST की जो है 53 से 57 तक, इस ये जो रेंज है वह सेम रहेगी, बट OBC की रेंज थोड़ी सी नीचे तक रह सकती है। तो आपको अगर ये एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट लगता है कि मेरा होगा या नहीं होगा और आपके कितने नंबर हैं वो हमें कमेंट करके बताइए, ताकि हम आपको जो है अगली जो वीडियो रहेगी वो SSA की रहेगी, और SSA की क्या कट ऑफ रहेगी वो भी आपको बताई जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।